कोई नहीं, कैमरा गिल्ला नहीं होना चाहिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज हमारा लास्ट डे है कॉलेज में और लास्ट एग्ज़ाम भी है कॉलेज में, और आज सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई है। सब लोग ऐसे जा रहे हैं, देखो वो पीछे कपल नहीं लग रही है, दोनों ऐसे चिपक चिपक के जा रहे हैं। अपन तीन लोग एक छाता में जा रहे हैं। और हाँ भैया, आज आप जाने वाले हो, कैसा लग रहा है आपको? सबसे मिलवाएंगे आज हम आपको कैंटीन में। कैंटीन में अभी हम पहले कैंटीन में जाएंगे। आज भी 8 बज गए, एग्ज़ाम में हम लेट हो चुके हैं, बिल्कुल लेट हो चुके हैं, करेक्ट 8 बज गए यहीं। और अभी हम पहले कैंटीन जाएंगे, हमारे पास बहुत अच्छा बहाना है, बारिश आ रही थी, छाता नहीं मिल रहा था। हाँ, उसके बाद फोटो शूट करना था भैया को, पर बारिश आ गई, अब क्या करेंगे। चलो गाइज, आपसे हम कैंटीन हॉल में मिलेंगे या फिर एग्ज़ाम हॉल के बाद मिलेंगे, ठीक ना गाइज? सबसे अच्छी चीज़ बनती है जलेबी, जलेबी बहुत अच्छी बनती है यहाँ बस। और कोई अच्छे नहीं बनते, पर क्या करें। तो गाइस, आज हम इतना ज़्यादा लेट हो गए थे कि हमें मतलब हाथ मुँह धोने का टाइम मिला, मतलब 8 बजे का एग्ज़ाम था, ठीक है, 7:45 में, और 15 मिनट तो हमें अपने हॉस्टल से यहाँ आने में लग जाते हैं, और अभी 15-20 मिनट हमें जाने में लगेंगे। तो आप लोगों से हम एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। एक तो बारिश आ रही है, बैग बाहर रखना पड़ता है, इस वजह से जो कैमरा और मोबाइल है ना, उसके लिए ये जुगाड़ है। तो आपसे हम खाना खाने के बाद मिलते हैं। आज ये सब भाई लोग जा रहे हैं, तो जाते जाते भी आप लोगों से इनको मिलवाएंगे, अलविदा करवाएंगे। सो गाइस, अभी हम एग्ज़ाम देके आ चुके हैं, और ये लोग ये क्या कर रहे हो भाई, एसी वाला रूम विदाउट एसी, विदाउट कूलर, विदाउट लगता। इतनी गर्मी में कैसे खेल लोगे तुम? उससे पूछ, खेलने वाली वो है। हम तो तालियां बजाएंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आज आखिरी दिन है आपका यहाँ, कैसा लग रहा है बताएंगे, फील कर रूम पे जाके बताएंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैं एक एक अंदर 5-5 पेपर के लिख के आई हूं। तो लिखने से थोड़ी नंबर मिलते हैं, सही लिखने से नंबर। तो गाइस, आज हमारा पेपर खत्म हो गया, यहां ये क्यों फाड़ना है? अब क्या करना है, मतलब घर में से जाएगी तू? ठीक है, मैं भी फाड़ूंगा। हां, सब साथ में फाड़ दे, जल्दी निकाल। और ये भी फाड़ेंगे, ये आज हमारा आखिरी फाइनल वो था, क्या था पेपर था, तो जस्ट सेलिब्रेशन। यार कितने गंदे हो यार तुम, फालतू फाड़ ले। तो गाइस, ये लोग आम तोड़ने की नाकाम कोशिश करते हुए, पीछे पीछे सिक्योरिटी दिखा दो, हाँ तो डंडे लेके खड़े भैया, भाई जो भी आम तोड़े हैं तोड़ेंगे उन्हें। भैया आम तोड़ ले, ये तीन लड़के देखो उसके बैग में आम मिलेंगे, देख लो उसके बैग में आम मिलेंगे। सो गाइज, अभी हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, हम खाना वाना खा के आ चुके हैं, और हमने काफ़ी सारी फ़ोटो शूट भी करी। फ़ोटो शूट करने के बाद अभी हम जा रहे हैं रूम पे, फोटोज दिखा दे। और आज हमने सुबह से नहाया नहीं एक्चुअली, क्यों? क्योंकि हम 8 बजे का पेपर था, हम उठे 7:45 पे, अब वहाँ से सीधे कैंटीन से खाना खाया, और पेपर भी आधे घंटे लेट देने पहुँचे। तो उसके बाद ऐसे ही कुछ ऐसा ही है, कुछ मिक्सड अप वाला मैसी सा टाइम टेबल रूटीन चलने लगा, इसलिए अभी हम जाएंगे नहाएंगे और अच्छे से कपड़े पहन के आएंगे, फिर दोबारा फोटो शूट करेंगे। और लव यू। ये है व्लॉगर, ये इन्हें पैकिंग का कुछ डर ही नहीं है। ये देखो, ये रणधीर ने पैकिंग कर लिया। सो गाइस, पैकिंग शुरू हो गई है जाने के लिए, सब अपनी पैकिंग कर रहे हैं। ये भैया 6,000 रुपये का बैग लाया था, देखो कहाँ गया, ये देखो हमारी औकात से परे वाला बैग, ये पैकिंग चल गई है इनकी। हमारे पास 6,000 का सामान होगा। हाँ, और ये भैया 6,000 का बैग लेके आए हैं। अनूप, क्या तुम्हारी पैकिंग चल रही है? हमारी पैकिंग अच्छा चल रही है। हाँ, अनूप कोशिश कर रहे हैं, पर सामान कुछ नहीं है। हर किसी के रूम के हाल ऐसे ही कुछ देखने को मिलेंगे यहाँ पर, सब घर जाने की खुशी में पागल हो रहे हैं। सो हे गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये हमारा हॉस्टल में लास्ट दिन है, मतलब आखिरी रात है मेरी, और बहुत सारे बच्चे तो आज ही निकल रहे हैं,
और मेरे रूम का भी हाल कुछ ऐसा है, मतलब रूममेट ने तो मतलब अपनी पैकिंग वगैरह सब कर ली है। इसका सामान देखो गाइस, इतना बड़ा ज़्यादा सामान है इसका। हाँ, और मेरा तो अभी मैस्टअप ही है, मैं रात को पैकिंग करूँगा। सामान वैसे मैंने भी अपना निकाल लिया बाहर, बस पैक करके रखना है उसे। सो गाइस चल लो आगे भैया, चल लो चल लो चल लो चल लो चल लो चल लो, आप कैमरे में आ रहे हो। तो गाइस अभी ये तीन लोग जा रहे हैं, रेड वाला, ऑरेंज वाला और ब्लैक वाला, और वो भैया हमारा सामान उठाने में मदद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं कल जाऊँगा क्योंकि मैंने सामान पैकिंग नहीं करी है यार, पेंट गंदा हो गया इनके सामान रखने के चक्कर में। मैंने बोला सर मेडिकल काम था, बोले तुम तो कहीं का बोल के कहीं निकल जाते हो। तो गाइस अच्छा वो कैमरा चालू है। तो गाइस हमारे दोस्त जा चुके हैं, हमें बहुत अफसोस हो रहा है, पीछे वाली क्लिप काट देंगे। बहुत ज़्यादा अफसोस है। और मिलेंगे इन लोगों से दो तीन महीने बाद, दो महीने बाद। चलो ठीक है, मिल लेंगे। चलो हे गाइस, कल आप जाने वाले हो ना? हाँ, आद्या पर कहाँ जा रही है? जा रही है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। गद्दे वाले होटल में जा रही है। हाँ, कहाँ जा रही है ये इम्पोर्टेंट है, और किसके साथ जा रही है वो इम्पोर्टेंट है। अपने और आंटी के साथ। ना ये दोनों तो जा ही नहीं रहे तुम्हारे साथ, मना कर रही है। मैं जा रही हूँ उसके साथ। मैं और मैं क्या कर रही हूँ बीच में? अरे अच्छा गाइस, जल्दी गाइस, तुम लोग मेकअप नहीं करते? मेकअप नशा तो करती है, पता चल गया। दो तीन चीजों के अलावा एक्चुअली लग रहा है नहीं कर रहा। इन्हें जरूरत नहीं है, यू नीड अ प्लास्टिक सर्जरी। ये हालत सही था ना? पैसे दो, पैसे दो। ये घर से बाहर आ गए, पैसे दो पहले। और ये दोनों ये तो परसों जा रही है, ये यहीं रहेगी, इसे कॉलेज से इतना प्यार है, ये छुट्टियों में भी यहीं अपना मतलब क्या करते हैं, समय दान, टाइम डोनेशन। और एक हमें भयंकर, जब पढ़ाई चल रही होती तब भी छुट्टी मान लेते हैं। हमारी तो रोज फोटो खींच रही है यार। जाओ जाओ। सो गाइस आज हमने गार्ड अंकल के साथ फोटो खींचाई। गार्ड अंकल खुश हो गए कैमरा से। और आज इसने बहुत अच्छी फोटोज क्लिक करी, बहुत अच्छी, लिटरली वीडियो तो इतनी अच्छी करी है, सबसे बेस्ट फोटो इसने खींची है आज तक की। तूने तो अच्छी खींचता है, इसने अच्छी खींची है, बस अच्छी खींची है, अच्छी लोगों की अच्छी फोटो खींची। अब आए ना पॉइंट पे। हाँ तो हे गाइस, हमारी भी पैकिंग हो चुकी है, लगभग लगभग पूरी हो गई है, बाकी एक फाइनल टेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसा रूम हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें जाते वक्त। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि सुबह सुबह हम फाइनल टेस्ट, अभी रुकना बात नहीं है, मैंने फाइनल टेस्ट देंगे, जैसे गद्दे बदले हम यहीं छोड़ने जा रहे हैं। अब पता हमारे पास गद्दे बांधने के लिए रस्सी नहीं मिल रही, हमारा जुगाड़ देखो ये फटा वो बनियान, फटा बनियान। चल चल यार फाइनली वी रेडी टू गो। हाँ भैया आप भी निकल गए, हमारा सामान भी हम रूम के बाहर निकालते हैं। अरे क्या ले रहा है, कमरे में लगेंगे ये सामान। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों तो गाइस हम, ये हमारा लास्ट टाइम है इस यूनिवर्सिटी में, हमारे जाते जाते बारिश हो रही है, मतलब यूनिवर्सिटी रो रही है कि मत जाओ, पुजारा भैया मत जाओ, अभिनव भैया आप जाओ, आप जाओ। तो गाइस अभी हम घर पहुंचने वाले हैं, इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और अगला व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उस व्लॉग में हम बहुत अच्छी अच्छी जगह को एक्सप्लोर करने जाएंगे, है ना भैया।